हेलो फूड लवर्स, हम सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्यों ना आज हम सभी तिरंगे के रंग में रंग जाएं। तो आज हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो तिरंगे के रंग का हो। तो आज हम बना रहे हैं ढोकला, वो भी 3 कलर का विद वेजिटेबल कलर्स। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सो लेट्स गो स्टार्ट। ट्राई कलर ढोकला बनाने के लिए हमने लिए हाफ बाउल दही, हरा धनिया, 2 हरी मिर्च और 1 बाउल सूजी और थोड़ी सी गाजर। दही और सूजी को हम मिक्स कर लेंगे और धनिया और गाजर का हम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। बैटर बनाने के लिए हम सूजी और दही दोनों चीज को मिक्स कर लेते हैं। हाफ टेबल स्पून हम इसमें नमक डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लें और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड कर लेते हैं। इसको हमें इतना ही थिक रखना है, इसको पतला नहीं करेंगे। और ये अच्छे से सब चीजें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको 25-30 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। ढोकला को स्टीम करने के लिए हमने ये भगोना लिया है, आप कढ़ाई में भी स्टीम कर सकते हैं, कुकर में भी, और इस तरह का कोई भी जाली स्टैंड या प्लेट इसमें सेट कर दें और पानी का लेवल उसी के बराबर का रखें और कवर करके हम इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देते हैं। इस तरह का कोई भी बर्तन लेकर आप पहले उसको ग्रीस कर लें घी या तेल से, किसी से भी। लगभग 30 मिनट हो गए हैं और ये सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है और हमने गाजर का पेस्ट और धनिया का पेस्ट भी बना लिया है। सूजी को पहले हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सूजी को हमने 3 भाग में डिवाइड कर लिया है। अब हम इसमें पहले ये धनिया वाला पेस्ट ऐड कर लेते हैं। ये ग्रीन वाला बैटर हमारा तैयार है। अब हम व्हाइट बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। बैटर बनाते समय एक चीज का ध्यान रखें कि इसमें लम्स ना रहे और बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इस तरह की रखनी है जैसे हम इडली की रखते हैं। अब हम ऑरेंज वाला बैटर तैयार कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। तीनों कलर का बैटर हमारा तैयार है। हमें बैटर इस तरह का रखना है। पहले हम ग्रीन वाला बैटर मोल्ड में डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा खाने का सोडा ऐड कर रहे हैं। मीडियम फ्लेम पर हम इसको 5 मिनट के लिए स्टीम करते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम व्हाइट वाले बैटर में भी थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो इसमें इनो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर ये व्हाइट वाला बैटर जो है स्प्रेड कर देते हैं। और फिर से 5 मिनट के
के लिए कवर कर देते हैं और इसी प्रोसीजर से हम इसमें ऑरेंज वाला बैटर भी ऐड करेंगे। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने देते हैं। तो 10 मिनट हो गए, एक बार हम चेक कर लेते हैं। इस पे ये हल्का सा लग के आया है, तो अभी थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए और हम इसको स्टीम कर लेंगे। 25 या 30 मिनट लगते हैं इसको प्रॉपर स्टीम होने में। लगभग 4-5 मिनट हो गए, अब हम देख लेते हैं। ढोकला हमारा बिल्कुल तैयार है, फ्लेम बंद करके हम इसे निकाल लेंगे। के लिए हमने 1 चम्मच ऑयल लिया है, ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम 1/2 चम्मच ये सरसों के दाने डाल देते हैं और फ्लेम बंद कर देते हैं। फ्लेम बंद करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं, नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लें। और 1/2 चम्मच हम इसमें नींबू का रस ऐड कर रहे हैं। ये ठंडा हो गया है, अब हम इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे। हल्के हल्के से इसके किनारे हम अलग कर लेते हैं ताकि आसानी से निकल सके। देखिए कितना अच्छा हमारा ढोकला तैयार हुआ है, 3 कलर का, ट्राई कलर का और एकदम स्पंजी है। इसको हम पीसेस में अब कट कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा स्पंज आया है इसमें और कलर भी एकदम सेपरेट है। अब हम इस पे तड़का डाल देते हैं। हमने ये नमकीन ट्राई के लिए ढोकला बनाया है, इसलिए हम इसको चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। हमने ये 3 कलर की चटनियां तैयार की हैं, ये धनिया वाली चटनी, ये नारियल की और ये टमाटर की चटनी। वेजिटेबल के ट्राई कलर वाला हमारा ढोकला तैयार है, बहुत ही हेल्दी है, रेडी टू ईट।